मैं गांव में किसी के शुभ अपराध करा, जन्म लिया, जब तक उसने 25-26 साल की उम्र होगी उसी ने नीची नार करके इकड़ गया और किसी से अभी तक गलत नहीं बोला। ये 10-5 गांव है, वह की सिफारिश है। सैकुल का ताऊ का लड़का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उसके गांव में हम मौजूद हैं और इनसे जानेंगे किस तरीके से पुलिस की तरफ से सूचना दी गई। सैकुल जब पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था तब सूचना दी गई या फिर उसकी मौत के बाद सूचना दी गई? परिवार वालों को पहले से पता था या नहीं पता था? क्या पूरा माजरा था? इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। शकील जी, सैकुल क्या लगता था आपका? मेरे ताऊजी का लड़का, मतलब भाई लगता है, भाई जैसे ही रहते थे हम अच्छे से। तो अभी जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, किसी जुर्म में क्या आरोप लगाया, क्या बताया था पुलिस ने? हमको कुछ नहीं पता कब गिरफ्तार किया कब नहीं किया, हमें किस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास आज तो कल फोन आया था कि फरीदाबाद थाने से कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब हो रही है, तो वहाँ कल गए। यहाँ पे घर पे किसी को कुछ नहीं पता, वो भी ताऊ जी का एक लड़का हो गया था। उसके बाद मेरे पापा वहाँ पहुँचे तो रिश्तेदार और भी गए, तो वहाँ पता चला कि पुलिस वहाँ पे, मतलब उसकी पुलिस थाने में उसकी हत्या हो गई। तो उसके बाद कोई और कुछ नहीं है। सैकुल क्या करता था? सैकुल कंपटीशन की तैयारी करता था। उसका खुद का सपना था कि वो पुलिस बने, उसका बचपन से ही सपना था। और हम दोनों ही कंपटीशन लाइन करते थे। उसने ही मेरे को बहुत मोटिवेशन किया, उसने ही मेरे को बताया तो इसकी तैयारी कर लो। मैं खुद दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, वो राजस्थान पुलिस की ही तैयारी कर रहा था। SI की तैयारी भी की उसने, उसमें इंटरव्यू क्या इंटरव्यू रहा है, कोई मेरिट में रहा है, किसी फिजिकल में रहा है वो। और अब उसने खुद ने वो RS की जगह आई थी, उसमें फॉर्म भरा है, वो सूरतगढ़ जाने वाला था, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे अलवर, अब यहाँ फिलहाल वो अलवर रहने रहता था। उसके बाद उसकी शादी हुई थी, शादी के बाद 3 महीने उसकी शादी हुई है अभी। अच्छा, कब से तैयारी कर रहा था अलवर में? सैकुल अलवर में तो मतलब 3-4 साल से तो अलवर रहता था। उसके फिर उस अलवर के बाद फिर वो जयपुर चला गया, जयपुर एक साल के आसपास वो जयपुर रह के आया है। तो उसकी फिर शादियाँ हो गई, शादी के बाद फिर वो अलवर शिफ्ट हो गया। अलवर शिफ्ट होने के बाद फिर उसका मतलब RS की जगह आई थी, RS की जगह उसमें फॉर्म भरा था। फिर घर वालों को इतना बताया था कि मतलब मैं पापा को बोला था, ताऊ जी को, तो उसने बोला था मैं सूरतगढ़ जाऊँगा, मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ पर कंप्यूटर चलें। तो पापा ने उसको बोला, ताऊ जी ने मतलब ठीक है तुम वहाँ चलो जाना। तो हम ऐसे बस ठीक है, तो ताऊ जी को भी ऐसा कुछ नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारे पे तो कल सूचना आई थी कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का गिरफ्तार है और तुम आ जाओ भाई यहाँ फरीदाबाद थाने में और तुम अपने लड़के से मिल लो, उसकी सीरियस ज़्यादा है। तो ये सूचना हमको, सैकुल को घर से उठाया गया था या फिर अलवर से उठाया गया था, कहाँ से उठाया था पुलिस ने? मतलब इतनी जानकारी तो मेरे को भी नहीं है, मैं खुद जयपुर से कल आया था। मेरे को, मैं घर पे आने के बाद पता चला मेरे को कि सैकुल को मतलब 19 की रात को मतलब अलवर से आ रहा था, चिड़वाई के आसपास, मतलब गांव है हमारे यहाँ। तो उस पे वहाँ उस मतलब पहले से ही उस पे मतलब साइड में थे, पता नहीं कोई और के थे कि मतलब ये उनके हाथ लग गया, तो इसको ये पकड़ के ले गए। तो उस वहाँ रात को पकड़ने के बाद 12 बजे मतलब इसको फिर रास्ते में मार पीटा, इसको अच्छे से मारा है। तो वहाँ ले जाने के बाद फिर हमारे को कल फरीदाबाद थाने से मतलब उसका जो SI कौन है उसका फ़ोन आया था कि भाई तुम्हारे लड़के की तबीयत ख़राब है, तुम भाई से मिल लो। तो यहाँ से फिर मतलब उसका छोटा भाई गया है कि हम तो यहाँ पे थे नहीं, फैमिली किसी को पता नहीं था। तो मेरे पापा जी और वह गए, तो वहाँ जा कर पता चला कि मतलब उस पुलिस के थाने के अंदर उसकी मतलब हत्या हो चुकी है। जो आपका जो गांव है, कौन से विधानसभा में लगता है? रामगढ़ विधानसभा हमारा गांव लगता है, गोविंदगढ़ तहसील है, गांव ठीकरी है। अच्छा, यहाँ की जो विधायक हैं सफिया खान जी हैं, उनके तरफ से कोई आश्वासन आपको कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। हमारा फोन ना बात, कोई बातचीत, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं तो सभी मेवात भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ है ये तुम्हारे साथ भी किसी ना किसी दिन होगा, कि सभी भाई आवाज़ उठाए कि हम सभी भाई जैसे अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर हम अब नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? जो अभी तक विधायक की तरफ से कोई आश्वासन, कोई सूचना हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई विधायक आए, ना कोई नहीं आया हमारे पास अभी तक। और ना वहाँ पे फरीदाबाद हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वहाँ भी कोई नहीं पहुँचा अभी तक। बस वहाँ के फैमिली गए और यार दोस्त हैं जो रिश्तेदार हैं वो पहुँचे हुए हैं बस अभी तक। तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है, मांग तो यही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और भाई जिन मतलब पुलिस अधिकारियों के अंदर जो भी है, मतलब पुलिस स्टेशन के हुआ है, हत्या हुई है, कि सब पे सख्त कार्रवाई करी जाए, कि सबन की जांच हो भाई उनकी। देखिए, ये सैकुल के ताऊ के लड़का हैं जो पढ़ाई करते हैं,
और इनकी उनसे बात होती रहती थी पढ़ाई को लेकर भी। तो परिवार की सिर्फ यही मांग है कि साइकिल को इंसाफ दिलाया जाए। जिन पुलिस कर्मियों ने उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से भी अभी तक परिवार को किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।